हे फ्रेंड्स, वेलकम टू साई किचन। मैं सुनीता मौर्य आज साई किचन में आपके लिए लाई हूँ बहुत ही यम्मी सा नाश्ता, जो बनाने में बहुत ही आसान है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी की जैसी एकदम परफेक्ट बने, तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो आइए शुरू करते हैं इसकी आसान सी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको चाहिए कुछ कैप्सिकम, स्प्रिंग अनियन, टमेटो। अगर आपके पास कलरफुल कैप्सिकम नहीं है तो आप कोई भी एक कलर का कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं। कैप्सिकम को पहले ऊपर से रिंग की तरह काटिए। उसका बीज का जो स्टफ्ड मटेरियल है, जो बीज होते हैं उसको काट कर आप साइड में रखिए और इस तरह से इसके रिंग्स कट करके रख लीजिए। ये देखिए, मैंने रिंग्स कट कर लिया है। इसी तरह से मैंने रेड शिमला मिर्च का भी रिंग कट कर लिया है, ग्रीन कैप्सिकम का भी रिंग कट कर लिया है। इसी तरह से सेम हम टमेटो का भी कट करेंगे। ये टमेटो का ऊपर का ढक्कन मैंने काट दिया है और इसके अंदर का जो मटेरियल है वो हम स्पून की मदद से एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने इसका मटेरियल निकाल कर रख लिया है और फिर इस टमेटो का भी रिंग आपको कट कर लेना है। मैंने इन सब के रिंग्स कट कर लिए हैं। अब हम इसकी स्टफिंग की तैयारी करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो वेस्ट पार्ट जो हमने सब्जियों का रखा है, इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे हम रीयूज़ करेंगे। तो ये जो टमेटो का जूस हमने निकाला था अंदर का बीज वाला, उसी में आप ये वेस्ट पार्ट जो सब्जियों का था उसे छोटे छोटे टुकड़े करके आप इसमें डाल दीजिए। ये स्प्रिंग अनियन भी मैंने डाल दिया है इसमें, और लाल मिर्च या फिर ग्रीन वाली मिर्च भी आप डाल सकते हो, और थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ डाल दीजिए बारीक कटा हुआ। ये डोसे का बैटर है, डोसे या फिर इडली, जिसका भी बैटर अगर बचा हुआ है आपके पास तो आप वो डाल दीजिए। इसमें स्वादानुसार नमक डालिए और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। इस तरह से आप बचे हुए डोसे या फिर इडली के बैटर से एक यमी सा नाश्ता बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बैटर रेडी हो गया है। अगर आपके पास इडली या डोसे का बैटर नहीं है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन है ये बेसन। उस सारे मटेरियल्स में आपको एक कप बेसन डाल देना है, एक चम्मच अजवाइन, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका बैटर आप रेडी कर लीजिए। ज़रूरत पड़ने पर आप और पानी इसमें डाल सकते हैं, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके आपको एक बैटर इसका रेडी कर लेना है। तो इसका बैटर तो हो गया रेडी। अब हम एक पैन को गरम करेंगे। ये देखिए, मैंने एक पैन पहले गरम कर लिया है, उसके बाद इसका फ्लेम मैंने लो कर दिया है और फिर इसमें ऑयल डालकर इसे स्प्रेड कर लीजिए। अब इसमें जो रिंग्स हमने कट किए थे वो रख दीजिए, और फिर जो डोसे का बैटर हमने रेडी किया था वो इसमें फिल करेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर इसे ढककर एक मिनट के लिए पकने देंगे। एक मिनट के बाद ढक्कन खोलिए और इसे बड़े ही आराम से आपको इसे पलट देना है। फिर से इसे एक मिनट के लिए ढक दीजिए और फिर ओपन कीजिए। अब आपको गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेंक लेना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा कैप्सिकम का रिंग
रेडी हो चुका है। और अब हम दूसरा स्टाइल देखेंगे। अगर आपके पास डोसे और इडली का पेस्ट नहीं है तो आप बेसन वाला बैटर आप यूज़ कीजिए, ये भी खाने में बहुत यमी लगता है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप फटाफट क्या बनाओगे, अगर आपके घर में शिमला मिर्च है तो आप ये बेसन वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, उन्हें भी बहुत पसंद आएगा और वो आपसे बिना पूछे रह नहीं पाएंगे कि भाई ये इतना टेस्टी यमी आपने कैसे बनाया, आप प्लीज़ इसकी रेसिपी बताइए। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा स्टफ्ड कैप्सिकम रिंग रेडी हो चुका है। खाने में इसका स्वाद बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है। आप लंच बॉक्स टिफ़िन में इसे भर कर दे सकते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स अगर आपको लगता है मुझे कुछ स्पेशल बनाना चाहिए तो प्लीज़ मुझे रेसिपी बताइए, मैं उसे ज़रूर ट्राई करूँगी। मेरी रेसिपी को ध्यान से देखने के लिए थैंक यू।